गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। बेटा, आज मैं आपको क्विक अपडेट देने वाली हूँ कि नीट 2023 का पेपर कब होगा। आप सबको पता है कि 1 वीक बिफोर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आपका नीट 2023 वाला एग्ज़ाम 7 मई को होगा। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये चीज़ आपको कन्वे की थी। बट कल टाइम्स नाउ में 4 बजे एक आर्टिकल आया है जिसमें एनटीए ने रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया है एमबीबीएस का। अब जिन बच्चों की काउंसलिंग अभी हुई है 2022 के अंदर, तो जिन बच्चों की काउंसलिंग अभी हुई है उनके जो कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं वो कॉलेजेस लेट शुरू हो रहे हैं क्योंकि उनकी काउंसलिंग अभी तक फिनिश नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाकी है, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनका मोपअप राउंड भी बाकी है, जिसकी वजह से जो क्लासेज है वो देरी से स्टार्ट होगी, तो जिसकी वजह से जो ये वाला सेशन है वो लेट फिनिश होगा। तो वो लगभग एनटीए ने बोला है कि हमारा 15 दिसंबर तक फिनिश होगा। तो जब ये बैच 15 दिसंबर तक फिनिश होगा तो जो न्यू बैच आएगा 2023 का वो भी एनटीए 15 दिसंबर के बाद ही स्टार्ट करेगा। ये एनटीए ने नोटिस जारी किया है। तो एनटीए ने बोला है कि मे बी कि क्योंकि ये जो 23 का बैच है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो जो काउंसलिंग है वो नवंबर के एंड में फिनिश होगी। अगर काउंसलिंग नवंबर के एंड में फिनिश होंगी तो इसका मतलब जो काउंसलिंग है उससे 4 महीने पहले एग्जाम होता है। तो आप मान के चलिए ये जो एग्जाम है वो जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर होगा। जो अभी एनटीए ने रिवाइज शेड्यूल जारी किया है उसके बेसिस पर ये अपडेट है, जो कि टाइम्स नाउ ने अपने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल के अंदर उसने ये अपडेट जारी किया है। तो अभी तक के लिए तो ये क्विक अपडेट है बेटा, बट अभी तक भी एग्जाम्स के बारे में एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है कि वो 7 मई को होगा या जून में होगा। बट बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका एग्जाम है 2023 का वो एटलीस्ट मई में तो नहीं होगा, वो जून में ही होगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया है, तो आप लोग पैनिक ना करें, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करें कि अप्रैल तक आप अपना पूरा फिनिश कर ले, कि जो अगर आपको टाइम मई का मिलता है तो आप इसके अंदर बार बार रिवाइज कर सके और जून के अंदर अच्छे अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सके। और 2023 के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, उस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जाके देखें, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि अभी आप कहाँ लाइक कर रहे हैं और कहाँ आपको नंबर इंक्रीज करने की जरूरत है। तो अब तक के लिए बेटा इतना ही, और जैसे ही कोई क्विक अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पर बताऊंगी, बट ऑथेंटिकेट बताऊंगी। मैं बार बार वीडियो बना के ये नहीं बताती हूँ कि आज 7 मई को होगा, अब 10 मई को होगा, अब 18 जून को होगा, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी। जो ऑफिशियल शेड्यूल आएगा उसके बेसिस पर आपको क्विक अपडेट दूंगी। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। ओके बेटा, बाय बाय।